टिकटॉक बनाते हुए एक बार फिर 13 साल लड़की की जान खतरे में। अमेरिकी रियासत ओरेगन में 13 साल लड़की टिकटॉक पर फायर चैलेंज मुकम्मल करने की वीडियो रिकॉर्ड करते हुए आग में बुरी तरह झुलस गई। आलमी खबर रसादारी के मुताबिक अमेरिका में मुकीम पोर्टलैंड से ताल्लुक रखने वाली 13 साल डिस्टैनी क्रेन गुसलखाने में टिकटॉक के लिए फायर चैलेंज वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। इस चैलेंज में आईने पर बनाई गई अलामतों को आतिशगीर मादा इस्तेमाल करते हुए आग लगाकर रोशन करना होता है। वीडियो बनाते वक्त अचानक आग तेजी से भड़क उठी और टिकटॉकर बुरी तरह झुलस गई। इन्हें तीसरे दर्जे के जख्म आए। डिस्टैनी को अस्पताल ले जाया गया जिस पर वहां हालत नाजुक बताई जाती है। टिकटॉकर की वालदा ने मीडिया को बताया कि जिस वक्त डिस्टैनी की दर्द से रोने और चीखने की आवाज़ आने पर वॉशरूम का दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर हर चीज़ में आग लगी हुई थी और मेरी बेटी भी बुरी तरह झुलस गई थी।